ब्राह्मणेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदाई तुलसीदेवी प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब हाथ उठा बोलो हरि कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम राम। बोलो हरि कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्टम विष्णु पादष्टोतर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्टम विष्णु पादष्टोतर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। देखो किसने प्रभुपाद से प्रश्न करते हैं, इनका प्रश्न है जीव का वास्तव रूप में मंगल कैसे हो। हम यही चाहते हैं जीवन में, क्या चाहते हैं, हमारे हर समय कल्याण हो, मंगल हो, हम हर समय में सुखी में रहे, कभी दुखी में नहीं आए। जीवन में यही चाहते हैं ना, जीवन में सुख हो, कई जीवन में दुख नहीं, उसको बदलो, पीछे फैन चला। इसलिए जब उन्होंने किसी ने प्रश्न की और जो तो भीतर चल सकता ना, जो बदल देगा। हरे कृष्ण। इसलिए प्रश्न करते हैं जीव का कल्याण कैसे हो, जीव का मंगल कैसे हो, और जीवन जीवन में जितने सारे अमंगल जीवन में कैसे नष्ट हो जाए, उनका ये प्रश्न है। इसका उत्तर सुनो, प्रभुपाद कहते हैं भगवत ज्ञानेर अभाव वशतः स्वतंत्रता जीव के विपन्न करे। कहते हम दुखी कब होता है, गलत रास्ता पर हम कब भटकते हैं, बोले तभी भटकते हैं जब जीव को जो स्वरूप ज्ञान है हम कौन है, जब ये चीज को भूल जाते हैं, हम अपने आप को जो भूल जाते हैं भगवान कौन है, जब उनको भूल जाते हैं तब ये जितने सारे विपत्ति का कारण यही जड़ है। इसलिए भगवान से उनका एक भक्त सनातन गोस्वामी तो प्रश्न किया था, उनका पहला प्रश्न है मैं कौन हूं, और उनका दूसरा प्रश्न है हम कोई भी संसार में दुख नहीं चाहते, सब जीवन में सुखी चाहते हैं, लेकिन बिना मांगे फिर ये दुख क्यों आता है, बताओ। घर में कोई दुख को निमंत्रण देता है क्या, घर में आए कोई नहीं देता है, लेकिन बिना बुलाए ये दुख फिर क्यों आता है, हम तो सुखी चाहते जीवन में। उन्हें किसी ने उनको ये दो प्रश्न किया भगवान को, तब इसका उत्तर में भगवान स्वयं इसका उत्तर देते हैं मैं कौन हूं, हम हैं जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम सब के सब भगवान का ही दास है, भगवान का ही सेवक है। भले फिर ये दुख का कारण क्या है, दुख का कारण यही है हम भगवान को भूल गए, हम जो असलियत में भगवान की सेवक है भगवान का दास है हम ठाकुर जी को भूल गए। लेकिन हमारी सृष्टि कहाँ से हुई, बोले हमारी जो सृष्टि ये तटस्था शक्ति से जीव का सृष्टि हुआ। तटस्था शक्ति मतलब है जैसे पानी है ना, एक तरफ में पानी और एक तरफ में पृथ्वी है, स्थल है, एक तरफ में जल, उसका बीच को कहते हैं ये तट है, कहते वहीं से हमारी सृष्टि हुई। एक तरफ में भगवान का जगत है और एक तरफ में माया की जगत है, ये बीच से ही हमारी सृष्टि हुई। जब सृष्टि हुई तब भगवान ने हमें प्रश्न किया बेटा बताओ क्या चाहते हो, तो मेरा सेवा करोगे ना माया की सेवा करोगे, और एक तरफ में माया खड़ी हुई और एक तरफ में संत खड़े हुए, एक तरफ में संत बुला रही हैं
और एक तरफ में माया बुला रही है, और जो बीच में व्यक्ति जो खड़ा हुआ वो इधर कभी देखता है कभी इधर देखता है। संत कहते देख बेटा, अगर तुम भगवान की भक्ति करोगे ना, इसका रोड सीधा भगवान को पास मिलेगा। तुम ठाकुर को पास में जाओगे फिर तो जीवन में आनंद ही आनंद मिलेगा, खुश खुश रहोगे। लेकिन इधर माया खड़ी है ना, उधर अंधकार भूत पिशाच भयानक जानवर खड़े हैं, उधर माया खड़ी हुई। कहते अगर तुम माया की तरफ में जाओगे फिर तो संसार का डंडा पड़ेगा, माया का डंडा पड़ेगा। इसलिए वो कभी इधर देखता है कभी इधर देखता है कभी इधर देखता है कभी इधर देखता है। लेकिन जो बड़े सौभाग्यवान जीव है वो क्या करते हैं, भगवान की भक्ति का तरफ में चलते हैं, भगवान की भजन करते हैं। और जो बड़ी दुर्भाग्य व्यक्ति वो क्या करता है, वो माया की तरफ में छलांग लगाते हैं और संसार में कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, बेटा से दुखी, बहू से दुखी, तरह तरह का दुख कष्ट संसार में जीव उठाता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जितने सारे दुख का जड़ है, हम असली जो भगवान जो ज्ञान है, हम जो भगवान की जो संतान इसको हमने भूल गया, इसकी वजह से जितने सारे दुख कष्ट की कारण है। बहिरंगा माया विमुख जीव के विषय विग्रह करिया तोले भोक्ता अभिमान प्रमत करे। कहते भगवान की जो बहिरंग माया वो क्या करती है, कहते जीव अपने आप को क्या समझता है, मैं भोक्ता हूं, मैं ही मालिक हूं, मालिक मैं हूं। लेकिन मालिक हम नहीं है, मालिक कौन है, ठाकुर ही मालिक है, हम तो उनका सेवक है। जब अपने आप ये भावना आता है हम मालिक है, हम स्वयं करने वाले, फिर तो माया उसका खूब डंडा मारती है। लेकिन जब ये समझता है नहीं हम भगवान के दास है, भगवान के सेवक है, संतों का दासों का दासों का दास दास हमें, फिर क्या करती है, फिर भगवान जीव को शांति सुख देते हैं, हैं? इसलिए कि तखन से निज स्वरूप रे कथा बोलिया विरूप ग्रस्त है एवं माइक अभिमान कष्ट पाए। जब जीव अपने आप को भोक्ता मानता है, स्वयं मालिक मानता है, तभी क्या होता है, जीव अपने आप को भूल करके जो विपद ग्रस्त होकर के माइक अभिमान आकर के जीव को तरह तरह का कष्ट देता है। इसलिए हनुमान जी क्या बोलते हैं, हनुमान जी कहते हैं मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये अभिमान न जाए भाव भोरे। कभी कभी मेरे ये अभिमान नहीं जाए, क्या मैं भोगता हूं, ये अभिमान हर समय हो, मैं सेवक हूँ रघुपति भगवान राम मेरे प्रभु, उनकी सेवा ही हमारी धर्म है। संसार भ्रमण करते करते जीवेर भाग्य क्रमे भगवत कृपाए भक्तर संग पाया, जखन भगवत सेवाए रुचि विष्टि से हन, तखन से ही भाग्यवान जीव भगवत भिन्न आश्रय जातीय ब्रह्म वस्तु गुरुपाद पद्म श्रद्धा नित होया सेवा क्रमे भजन राज्य प्रवेश करे। तब यहाँ कह रहे हैं कि जीव का वास्तव रूप में कल्याण कब होता है, जीव का मंगल कब होता है। हम भगवान को भूल करके अनादिकाल से संसार में भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण करते करते हमारी जान और अनजान में कुछ हमारी अज्ञात संस्कार हो रहा है। अज्ञात संस्कार मतलब क्या है, जैसे पता ही नहीं कहीं भगवान की कथा में बैठे गए, भगवान की कथा सुन ली, पता ही नहीं कहीं भगवान का, प्रभु जी उसको मत चला, प्रभु जी उसको मत चला, बैठ जा। इसलिए पता नहीं कहीं ठाकुर जी का प्रसाद बट रहा है, ठाकुर जी का प्रसाद ले लिया, जैसे अभी तुलसी परिक्रमा कर रहे थे, तुलसी परिक्रमा कर लिए हैं। पता नहीं किसी संतों की हम अनजान में, पता नहीं किसी संतों की हमने सेवा कर दिया, किसी संतों की हमने सेवा कर दिया, उसमें तो क्या होगा, उसको द्वारा हमारी कुछ संस्कार तैयारी हो रहा है उसमें। इसलिए भागवत में कथा आया है, जैसे भागवत कथा हो रही ना, कहते भागवत कथा की क्या महत्व है, कहते एक समय कृष्ण के बच्चे सब खेल रहे थे, खेलते खेलते हठात देखा कि कुएं के अंदर में एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ, और इतना बड़ा गिरगिट है वो टस से मस नहीं हो पा रहा है, बहुत बड़ा, श्वास भी ले नहीं पा रहा था, बड़े कष्ट उठा रहा था। कृष्ण के बच्चों ने देखा और देख करके तो उन्होंने कृष्ण को बुलाया, बोले पिताजी पिताजी जल्दी जल्दी आओ। बोले क्या है, बोले देखो ये कुएं के अंदर में कितने बड़े गिरगिट पड़ा हुआ, वो टस से मस तक भी हो नहीं पा रहा है,
कृष्ण तो सब जानते हैं, कृष्ण भगवान सब जानते हैं। भगवान ने अपना चरण बढ़ाया, उनके चरण स्पर्श होते ही वो जो गिरगिट था ना, बड़े सुंदर राजा बन गया। कृष्ण सब जानते हैं, लेकिन तब भी हमारी शिक्षा के लिए कृष्ण ने पूछा, भैया तुम कौन हो, ये गिरगिट क्यों बना हुआ था? ये द्वापर युग का अंतिम समय की कथा है। तब उन्होंने बोले, प्रभु आप तो सब बात जानते हो, आप तो भगवान हो। आप सुने होंगे सत्य युग में एक नृग नाम के राजा हुए। बोले हाँ, कृष्ण के बच्चे लोग बोले हाँ हमने जानते हैं, वो तो बहुत बड़ा दानी था। इतना बड़ा दानी था, कहते पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकते हैं, बारिश का बूंद को कोई गिन सकते, लेकिन उनका दान को नहीं कोई गिन सकते। मतलब उन्होंने इतने दान दिए, बोले क्या, बोले गैया दान दिया। बोले कैसे गैया, जो गैया के बोले एक बच्चा जन्म दिया हुआ हो, दुधारू गैया उन्होंने दान दिया। सिंह को सोने में मढ़वा करके, खूर को चांदी में मढ़वा करके दिया है। बोले फिर उनकी दुर्गति क्यों हुई? बोले उन्होंने संकल्प करके एक गैया इसी ब्राह्मण को दे दिया, और वो गैया किया हुआ वहां से भाग करके जो तो बहुत सारी जो गैया थी आकर के मिल गया। इसको पता ही नहीं चला, दूसरा ब्राह्मण आया, फिर उनने संकल्प करके दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। जब दे दिया, पहले जिसको उन्होंने गैया दिया था, ढूंढते आ रहे, मेरी गैया कहाँ गई? उसने देखा दूसरा ब्राह्मण उसको ले जा रहे। बोले भैया ये गैया मेरी है, राजा मेरे को कल दान दिया था। बोले राजा तो अभी मेरे को ये दान दिया। बोले नहीं, राजा कल मेरे को दान दिया था, वो गैया भूल से कैसे आकर गैया मिल गया, अनजान में दे दिया। अब ये तेरी मेरी करते करते लड़ाई शुरू हो गया। बोले ये मेरा है, बोले मेरा है। लड़ते लड़ते राजा को पास में आए। राजा देखा मेरे तो अपराध हो गया, क्योंकि जब एक बार हमने संकल्प करके एक चीज ब्राह्मण को दे दिया, फिर दूसरों को देने का अधिकार है नहीं, क्योंकि तुमने संकल्प करके किसी दूसरों को दे दिया है। राजा समझ गए मेरा अपराध हो गया, चरण में गिर पड़े। बोले एक काम करो, एक गैया छोड़ दो, मैं 10 गैया दे देता हूं। लेकिन वो बाद में अड़ गए थे। बोले नहीं, हमें यही गैया चाहिए, यही गैया ही चाहिए। बोले इसका विनिमय में मैंने 100 गैया देता हूं। बोले नहीं। बोले 1000 गैया देता हूं। बोले नहीं। बोले 1,00,000 गैया देता हूं, एक गैया छोड़ दो, दूसरे गैया ले लो। बोले नहीं। बोले 1,00,000,000 गैया देता। कितने? क्यों? वो बात में अड़ गए थे ना, वो बात में अड़ गए थे। बोले नहीं, गया था हमें यही चाहिए। अभी लास्ट में दोनों लड़ते लड़ते राजा को अभिशाप दिया। बोले ओ, तो गिरगिटी जैसे रंग बदलाते हो, हैं? कल दान दे करके फिर वो गया को दो बार तुमने दान दे दिया, तेरे को गिरगिट बनना पड़ेगा। जब इसकी मृत्यु हुई, तब गए जम महाराज के पास में। जब महाराज चित्रगुप्त को बोले, कापी खोलो, कितने पाप पुण्य। बोले महाराज, इनकी पुण्य का कोई सीमा नहीं, अक्षय स्वर्ग मिलेगा, लेकिन बीच में ये गड़बड़ी हो गई। इसको बोले, तुम ये बताओ, पहले पाप लेना चाहते ना पुण्य लेना चाहते हो? बोले जब भैया जो पुण्य है ही है, थोड़ी जो पाप थोड़ी भोग कर लेता हूं। बस ये सत्य युग कथा, कितने 1,00,000 साल तक उसने गिरगिट बन गया। लेकिन यहाँ पर भगवान के चरण स्पर्श से क्या हो गया, बड़े सुंदर राजा बन गए, फिर उद्धार हो गया। भगवान का चरण स्पर्श मिला है ना, ठाकुर का चरण स्पर्श मिला। तब उन्होंने भाई बोले, भैया इसने ऐसे कौन सा पुण्य किया था जो कि ठाकुर का चरण स्पर्श मिला, ठाकुर का दर्शन मिला। बोले इनकी स्वभाव में भी था दान करना, स्वभाव में। एक दिन क्या हुआ, इनके घर में सचमुच से कोई एक संत आए, सचमुच से कोई एक भजन परायण साधु आए। स्वभाव में था सेवा करना, तो उन्होंने साधु का भी सेवा किया, संतों का भी सेवा की। तब उन्होंने बोले, आपको कुछ चाहिए? बोले हमको एक भागवत का ग्रंथ चाहिए, इच्छा है मैं ये भागवत पढूं। पहले तो ये प्रिंटिंग प्रेस था नहीं, इसलिए उन्होंने किया कि एक ताल पत्ते में पूरी भागवत को उन्होंने लिखवाया, और तालपत्र में भागवत लिखवा करके उन्होंने किसको दिया था, उन्होंने वो संतों को दान दिया। देखो, एक संतों को जो उन्होंने एक भागवत ग्रंथ दान दिया लिखवा करके, भागवत कौन है, भगवान है,
भगवान कलयुग में स्वयं ये भागवत ग्रंथ रूप में आए। उन्होंने एक संतों को एक दिन खिलाने का और एक भागवत ग्रंथ दान करने का इतना महिमा है, साक्षात कृष्ण दर्शन मिला, साक्षात श्री ठाकुर जी को दर्शन मिला। लेकिन उसने जो इतने दान दिया था कर्मकांडी ब्राह्मण को फल क्या हुआ, गिरगिट बनना पड़ा। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, जब हम किसी व्यक्ति को दान देते हैं ना, हम देख करके दान देनी चाहिए। अगर हम भगवान को भोग लगा करके कोई चीज प्रसाद करके अगर किसी को भी दो, आपकी कोई दोष नहीं लगेगा, किसी को भी आप दे सकते हो। भगवान को भोग लगाया, प्रसाद दिया, लेकिन अगर हमने किसको पैसा दिया लेकिन वो सतमुच से साधु है ही नहीं, वो पैसा को लेकर के अगर कोई उल्टा पुल्टा काम में लगा दिया हैं, फिर तो उसको क्या होगा, उन्हें पैसा दिया आपने लेकिन उसने भगवान की सेवा में संत सेवा में नहीं लगाया और वो पैसा को कोई दुरुपयोग कर दिया, आपको तो पता नहीं चला, फिर तो उसका फल कभी कभी गड़बड़ हो जाती। इसलिए यहाँ पर कहते हैं हम जो कुछ करते हैं, अगर हम अनजान में किसी सही संतों को कुछ दान दिया, तुलसी परिक्रमा किया, वृंदावन में गए, ठाकुर का आरती करते हैं, तुलसी परिक्रमा करते हैं, इसलिए रोज क्या करनी चाहिए, घर में तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए, ठीक है ना, रोज चार बार परिक्रमा, कितना बार करनी चाहिए, चार बार तुलसी परिक्रमा। और घर में जो कुछ भोजन बनता है सबसे पहले ठाकुर को मंदिर में धारो, उसमें तुलसी पता देना है, तुलसी पता दे करके ठाकुर जी को भोग लगाओ, भगवान का प्रसाद हो गया और उसको भोजन करने से हमारे अंदर में संस्कार बनते हैं। एक समय कोई एक संत थे हैं, उसने ठाकुर को भोग लगाया, प्रसाद पाया, पतले में कुछ प्रसाद बच गया था, उन्होंने फेंक दिया कहाँ पर, पानी में, वहां पर एक मगरमच्छ था, इतने में मगरमच्छ ने खा लिया। पहले तो ठाकुर को भोग लगा, फिर संत ने खाए, वो संत का उचिष्ट है, एक मगरमच्छ खाया तो अगली जीवन में वो ब्राह्मण घर में जन्म लिया और संतों के संग मिला उसको। भगवान की प्रसाद की इतने महिमा, ठाकुर जी को भोग लगाकर खाने का इतने महिमा, ठीक है ना। घर में जो कुछ खाई हो, घर में रसोई बनाती हो तुम, अभी नहीं तुम बनाती हो, अभी सिखाना इसको। इसलिए जो कुछ खाए ठाकुर जी को भोग लगाकर खाई हो, ठीक है ना, भगवान की, नहीं तो शास्त्र में बताया स्वान विष्टा समाचार निरंजन सूर्यासम, जो चीज ठाकुर को भोग नहीं लगता है, कहते कुत्ते की विष्ठा की ये बराबर है, पानी पेशाब की बराबर है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं हम जो कुछ करते हैं कर जान और अनजान में, अगर भक्त और भगवान के लिए अगर अनजान में कोई काम हो जाता है, बस हमारे संस्कार बन गया, संस्कार बनने पर इसका फल किया है, एक दिन संत दर्शन मिलेगा, संत दर्शन मिलेगा। और जीवन में जब कोई संत दर्शन सचमुच से मिल जाए ना, बस मतलब बेड़ा हमारी पार हो गया और संसार में ज्यादा हमें भटकने का जरूरत नहीं। इसलिए विभीषण कहते हैं ना, आज मय भा भरसा हनुमंता और बिनु हरि कृपा बिना मिले नहीं संत, जो रघुवीर मय अनुग्रह के नितो मय दर्शन दिन, जब भगवान राम की कृपा हो तभी जीव को संत दर्शन मिलता है और संत दर्शन मिलते ही कितना संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरे बड़ा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जीव का तभी परम मंगल होगा जब जीवन में हमें संत दर्शन मिले। और संत केवल दर्शन नहीं, दर्शन से फिर उनसे क्या, हरि नाम लो, भगवान का नाम लो, लेकर के भगवान की भजन करो, माला जप करो, हैं भजन करो, भक्ति करो, तभी जाकर कल्याण होगा, हैं उनकी उपदेश से अगर अपने जीवन को लगाएंगे तो, ठीक है ना। इसलिए हरि नाम को ठीक ठीक से, भगवान की नाम को ठीक से जप करनी चाहिए। इसलिए और किसने प्रभुपाद का और एक प्रश्न किए, प्रश्न है ज्यादा अर्थ अच्छे से सब गृहस्थ भक्त मठवासी भक्त यदि अर्थर द्वारा भालो भालो ठाकुर सेवा ना करे तभी कितना देर अपराध है। दूसरे कृष्ण प्रश्न किया, जैसे ठाकुर का आशीर्वाद से, ठाकुर का कृपा से हमारे पास में पैसा है, हमारे पास में पैसा है, अगर ठाकुर जी का पैसा हमारे पास में है, फिर वो पैसा की सद प्रयोग कैसे हो, वो पैसा को
हम सत प्रयोग कैसे करें? हैं? अगर उसको सत प्रयोग है, पैसा लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण की, जब वो लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगेगी तभी वो पैसा की सत प्रयोग है। अगर ठाकुर जी को सेवा में नहीं लगता है ना, भगवान पैसा दिया हमें, हमारे पास में पैसा है, लेकिन ठाकुर को कैसे सेवा करते हैं? भिखारी जैसे, भिखारी जैसे ठाकुर को सेवा करे नहीं। भगवान पैसा दिया तो लक्ष्मी है, ठाकुर को सुंदर कपड़ा, ठाकुर को स्नान कराओ, ठाकुर को तिलक लगाओ, ठाकुर जी को सुंदर कपड़ा पहनाओ। जैसे हम भी है, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनते कि नहीं? कहीं बाहर जाओ तो बढ़िया कपड़ा पहन करके जाते हैं, हमारे अलमारी में देखो कितने बढ़िया बढ़िया कपड़ा होगा, है कि नहीं? हमारे घर में कितना सेट है, कितना सेट घर में कपड़ा है, कितना होगा? अलमारी भर दी। लेकिन ठाकुर जी को देखो कितना सेट है, इसलिए ठाकुर जी को भी, इसलिए हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण देते हैं, उदाहरण देते हैं, जैसे अपना शरीर को बढ़िया से श्रृंगार करो, श्रृंगार करके शीशा को सामने खड़े हो जाओ। अब देखना शरीर को जैसे हम सजाते हैं, वो परछाई भी अपने आप सज जाती है। मतलब क्या? मूल कौन? ठाकुर जी। अब देखो ठाकुर को जितने सुंदर तुम श्रृंगार करोगे, ठाकुर को जितने तुम सजाओगे, ठाकुर जी को जितने उनकी से बढ़िया सेवा करोगे ना, घर में अपने आप खुशियाली रहेगी, क्योंकि ठाकुर जी प्रसन्न है ना घर। ठाकुर जी खुश रहेंगे, तुम्हें भी खुश रहेंगे। अगर ठाकुर जी को सेवा सही नहीं हुआ, फिर जो कुछ आए बोले घर में लक्ष्मी फिर खुश नहीं देगी, हम खुश नहीं करेगी नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं पहले ठाकुर जी को देखो, अपना लिए नहीं देखो, ठाकुर जी के लिए कोई प्रसाद है कि नहीं, ठाकुर जी के लिए लड्डू कोई है कि नहीं, ठाकुर जी के लिए हमने क्या लाए। सबसे पहले ठाकुर जी को देखो, अपने आप को नहीं देखो, ठाकुर जी की सेवा के लिए कोई वस्तु है कि नहीं। यहाँ पर कहते हैं कहते श्री जगत गुरु श्री जीव गोस्वामी प्रभु भक्ति संदर्भ में बलिया छे, जे तू संपत्ति मता गृहस्थेशम अर्चन मार्ग एव मुख्य। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो गृहस्थ भक्त है, हाँ, महाप्रभु जो प्रश्न किए हैं भक्तों ने, कुलीन ग्रामी वासी भक्तों ने महाप्रभु का प्रश्न किया था, उनका प्रश्न था हमारे हमको क्या कर्तव्य है, हमारे क्या कर्तव्य है। महाप्रभु उनको उपदेश दिया, बोले क्या? बोले बोले प्रभु पहले कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन निरंतर कृष्ण नाम कर संकीर्तन। महाप्रभु उपदेश दिया, देखो कृष्ण सेवा करो, भगवान की सुंदर करके ठाकुर जी की सेवा करो, और क्या करो? बोले वैष्णव सेवन, पर संतों की सेवा करो। क्यों? भगवान किसके हृदय में बैठे हुए? बोले संतों के हृदय में बैठे। इसलिए कल आप सुन रहे थे ना, जितने ठाकुर का सेवा करो उससे ज्यादा उनकी भक्तों की सेवा करो, क्योंकि भक्तों का हृदय में ही भगवान के निवास है। भगवान खुद कहते हैं मेरे भक्तों को अगर खुश कर दिया तो मैं अपने आप ही खुश हो जाता हूँ, मेरे भक्त अगर प्रसन्न हो गया मैं अपने आप प्रसन्न हो जाता हूँ। क्यों? ठाकुर जी संतों के हृदय में ही ठाकुर जी की निवास है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कहते कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन, बोले भगवान की सेवा करो और भक्तों की सेवा करो, कृष्ण सेवा और वैष्णव सेवा करो, वैष्णव सेवा करो। इसलिए महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में गए, हो जगन्नाथपुरी नहीं गए? रथ यात्रा में चलना, घूम करके बना जाओ। इसलिए महाप्रभु जब भक्तों के साथ में मंदिर साफ कर रहे थे, जगन्नाथ के मंदिर, जगन्नाथ जी आएंगे, साफ कर रहे थे, अभी जो सुंदर करके साफ कर रहा था, महाप्रभु तो उनको खूब बढ़ाई कर रहे थे, बोले वाह कितने सुंदर तुमने मंदिर साफ किए हो, तुम दूसरों को भी सिखा दो। लेकिन जो कामचोर, कुछ होता ना कामचोर है, हैं? इसलिए जो कामचोर थे ठाकुर को ठीक से सेवा नहीं कर रहे थे, महाप्रभु क्या कर रहे थे? उनको मीठी मीठी भाषा से उनको भर्त्सना कर रहे थे, हैं? मीठी मीठी भाषा से भर्त्सना कर रहे थे, बोले देखो जब मंदिर साफ हो जाएगा ना, कौन कितना कचड़े को इकट्ठे किए है महिला को उसको देखेंगे, अगर जिसका कम होगा ना उसको दंड देंगे, जो साफ सही सही नहीं किया होगा उसको दंड देंगे। बोले उसको क्या दंड देंगे? बोले भक्ति जगत में दंड भी बढ़िया है, बोले उनका दंड है सारे संतों को फीस दो, सारे संतों को भंडारा दो, हैं? संतों को भंडारा दो। बोले संतों को क्यों भंडारा देंगे? बोले कारण है, इसका तात्पर्य है जो ठीक ठीक से भजन कर रहे हैं,
महाप्रभु साफ करना मतलब कि अपना हृदय रूप मंदिर को जो ठीक ठीक से साफ करते हैं, महाप्रभु तो बड़ी प्रसन्न हो रहे, वाह तुमने अपना हृदय को बड़े सुंदर साफ किया, भगवान की कीर्तन भगवान का नाम कर रहे हो, तुम दूसरों को भी सिखाओ, दूसरों को भी भक्ति की शिक्षा दो। लेकिन जो सही सही भजन नहीं करते, ठाकुर को सेवा नहीं करते, इसलिए महाप्रभु बोले उनका दंड किया, बोले वैष्णव सेवा भक्त सेवा करो। क्यों? भक्तों का हृदय में ही भगवान का निवास। जैसे हम पैसा कमाते हैं, अगर सारे पैसा को अपना सेवा में लगाएंगे, अगर अपना शरीर के मेंटेन में अपना लिए लगाएंगे, फिर तुम्हारी संस्कार नहीं बनेगा, सुकृति नहीं बनेगी, क्योंकि तुम कमा रहे हो सारे पैसा को अपना लिए सेवा में लगा रहे हो। सारे एनर्जी तो हम क्या करते हैं, पैसा कमाने में सारे पैसे एनर्जी में लगाते हैं ना, पैसा कमाने में सारी एनर्जी को लगाते हैं। अगर वो कुछ पैसा साधु सेवा में वैष्णव सेवा में लग जाएगा, फिर क्या होगा, वो फिर वो जो पैसा एनर्जी लगाया, फिर तुम्हारा उसको संस्कार बनेगी। अगर सारे कमाया अपना सेवा में लगाया, अपना परिवार को सेवा में लगाया, फिर तुम्हारी संस्कार नहीं बनेगी, संस्कार नहीं बनेगी। इसलिए नियम है गृहस्थ के लिए, महाप्रभु बोले कम से कम एक चौथाई पैसा को निकालो जो भगवान और उनकी भक्तों की सेवा में लगा, हाँ उनकी सेवा में लगाओ। लगाने पर क्या होगा, तुम जो उनकी सेवा में लगाओगे पैसा को, पैसा लगाया एनर्जी खर्च किया, वो फिर पैसा जब भक्तों की सेवा में लग गया, फिर तुम्हारी अच्छी संस्कार बनेगी, अच्छे संस्कार बनेगा। इसलिए महाप्रभु कहते हैं वैष्णव का सेवा करो, और क्या करो, कृष्ण नाम संकीर्तन। कलयुग में जो धर्म है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर बारा, हरि की नाम जप करनी चाहिए, हरि का नाम करनी चाहिए। इसलिए गृहस्थ भक्त अर्थ द्वारा श्रद्धा प्रीति सहित हरि सेवा पूजा करिवे ताति तादर मंगल। इसलिए जो गृहस्थ भक्त है, जो पैसा कमाते हैं, थोड़ी वो पैसा वैष्णव संत और भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। किंतु ताहा ना करिया निष्किंचन भक्तवत केवल श्रवण कीर्तन स्मरणादि निष्ठ ही लिपित साठ अपराध लागे। भगवान ने हमें पैसा दिया है, उनके आशीर्वाद से कोई कमी नहीं, लेकिन वो अगर अर्थ को द्वारा हम भक्तों का सेवा ठाकुर का सेवा ठीक नहीं करते ना, कहते एक दोष लगता है, एक उसको दोष लगता है। बोले दोष क्या है, बोले बीत साठ, बीत मतलब होता पैसा, सठता मतलब होता है जो कंजूसी है, कहते ना थोड़ा कंजूसी हो, बड़ा कंजूसी हो है, इसलिए उसके ये दोष लगता है। क्योंकि जो पैसा अर्थ है वो लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी जब भगवान की सेवा में भक्त सेवा में लगेगा, फिर लक्ष्मी आशीर्वाद देती है। इसलिए सुतराम गृहस्थ भक्त मठवासी भक्तगण श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करिया कृपणता सठता परित्याग पूर्वक अर्थ द्वारा यथा साध्य हरि गुरु वैष्णव सेवा करिवे। कारण सठता कृपणता देखले भगवान हरि अप्रसन्न, ताते सिद्धि लाभ आघात है। इसलिए कहते अगर भगवान हमें कृपा करके अगर सब कुछ दिया है ठाकुर जी, उसका ही दिया हुआ वस्तु उसकी सेवा में लगाएंगे, तो फिर क्या होगा, फिर भगवान प्रसन्न होते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, और ठाकुर जी प्रसन्न होने पर क्या होगा, हम भी प्रसन्न रहेंगे। इसलिए शास्त्र में ये बताए, जैसे कोई तिथि आती है, हैं? जैसे राधाष्टमी आए, जन्माष्टमी आता है, उस दिन क्या करो, जैसे अगर हमारी बर्थडे आता है, उस दिन नया कपड़ा पहनते कि नहीं, नया कपड़ा पहनते ना, शादी की सालगिरह आ गया, इतने में शादी की सालगिरह आ गया, उस समय पति को बोले शादी की सालगिरह मेरे लिए ऐसे नया सूट सलवार ले आओ। अगर पति बोलेगा अरे बहुत सारे कपड़ा है ना पहन लो ना, कितना सारा नया कपड़ा है, इसलिए मेरे पास अब समय नहीं, अगर वो टाल देगा ना, पत्नी क्या बोलेगी, पैसा मेरे को दे तो मैं खुद खर्च करके ले आती, अगर तुम्हारे पास में समय नहीं तो पैसा मेरे को दे दो, बोल देती है ना पैसा मेरे को दे दो। जैसे हमारे जन्म तिथि में शादी की सालगिरह नए नए वस्त्र पहनते हैं, उसी तरह नियम है जिसे राधाष्टमी जन्माष्टमी होना, ठाकुर जी के लिए भी उनका भी तो इच्छा होता है, हम भी तो पहने की ठाकुर जी तो इच्छा करता है, इच्छा करता कि नहीं। इसलिए शास्त्र में बताया जैसे ठाकुर को कोई नया कपड़ा तुमने खरीद करके दिया, वो कपड़े में जितने धागा है, जितने धागा उसी कपड़े में, उतना कल्प तक उनको भगवान के धाम में निवास मिलता है, इतने महिमा ठाकुर जी कपड़ा पहनना निकाल। भगवान की अंगुल कट गया, द्रौपदी ने क्या किया, साड़ी को फाड़ करके बैंडेज कर दिया, ठाकुर सोच रहे हैं कब मेरे को मौका मिले,
इसका रीढ़ी में कब उतारू, रीढ़ी कब उतारू। हरी सभा में जब लाज जा रही थी, इसकी पांच पांच पति थे। कितने पति थे? कौन कौन? भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव। लेकिन जब वस्त्र हरण हो रही थी, वो आंख फाड़ फाड़ कर देख रही थी, कोई तो बचाएगा, कोई कुछ बोले? जिसके पांच पति काम में नहीं आए, हमारे तो एक ही पति है। हमारी एक पति फिर क्या काम में आएगा? लेकिन काम में आए तो कौन आए? कन्या आए, ठाकुर जी आए। जब दोनों हाथ को उठा करके हे गोविंद राख शरण अब जीवन हरी, जब भगवान को बुलाए तो भगवान स्वयं वस्त्र रूप में ठाकुर जी प्रकट हुए। कहते 10,000 हाथी गज बल घटो, घटो ना 10 गज सी, 10 गज चीर है कहां करे बैर प्रबल, जहां सहाय रघु भीर। जिसको ऊपर में रघुवीर की कृपा है भैया, उसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए जाके रहते साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह भैर हो। इसलिए क्या करनी चाहिए? दृढ़ता पूर्वक भगवान भजन करो, भक्ति करो, सेवा करो और जीवन में शांति और जीवन में सुख में रहो। ठीक है, बोले से वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय गौर हरि हरि बोल, हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि।